हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अपने इश्यूज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट जो हमारा वीडियो अपलोड हुआ है वो है हमारे 1858 के इंडियन काउंसिल एक्ट से संबंधित। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे के जो एक्ट आए हैं उसके ऊपर आज हमारा जो डिस्कशन है वो होने वाला है। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन हमारे किसी भी वीडियो का प्राप्त हो सके। चलिए आइए, अब नेक्स्ट जो हमारा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये जी 1858 का एक्ट आया था उसमें क्राउन ने क्या किया, सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को के जितनी जो स्टेट्स थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसको हमने अभी लास्ट वीडियो में स्टडी किया है। अब यहां से क्या होता है, 1861 के जो नया इसी जस्ट तीसरे साल में क्या होता है, जो चीजें छूट गई थी उस पूरे के पूरे प्रपोजल में, अब यहां पर उन प्रपोजल्स को लेकर आगे आते हैं। तो क्या क्या होता है, पहली चीज क्या होता है, देखिए पहली चीज क्या होती है, ये जो व्यवस्था 1861 का, यहां से संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण यानी कि मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है, संविधान निर्माण मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग का जो सूत्रपात है यही से होता है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अगर भारत में यह पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो फर्स्ट एक जो एक इंसिडेंट मिलता है कि कब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की मेकिंग शुरुआत हुई है, तो वो है यहीं से। ठीक, तो यहां ये जो 1861 का एक्ट आया था, यहां से कई सारे ऐसे कदम उठाए गए ब्रिटिश मोनार्की के द्वारा, जिससे ये कहा जाता है कि संविधान निर्माण का सूत्रपात जो हुआ है वो एक्चुअली में 1861 से माना जाएगा। ठीक है, क्या हुआ इस एक्ट के तहत, पहला पॉइंट इसमें क्या रहा, इस एक्ट के तहत से पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन जिसे कहते हैं सहयोग की नीति, सहयोग की नीति, इसका प्रारंभ हुआ। दूसरा जो दूसरा पॉइंट था वो था बेनिवोलेंट डिस्पोजिशन, बेनिवोलेंट डिस्पोजिशन जिसे कहते हैं निष्क्रियता, उदार निरंकुशता, उदार निरंकुशता। ठीक, थर्ड पॉइंट मैं अभी डिस्कस करता हूं आगे। थर्ड पॉइंट क्या था, भारतीयों के शासन में प्रतिगम भागी बनाना, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस, है ना, इन वर्किंग। अगर बात किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, व्हेन इंडियंस हैज बिकम दी रिप्रेजेंटेटर इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कब भारतीयों का सहयोग लिया गया, वो क्या था, 1861 का काउंसिल एक्ट। ठीक, जो पहला क्या था, सहयोग की नीति, सहयोग की नीति में क्या हो गया था, अब जो राजे महाराजे थे भारत के उनके साथ सहयोग की नीति को बढ़ाया गया, क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें ऐसी बहुत सारी खामियां ब्रिटिश मोनार्की को समझ में आई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है, और उन खामियों को दूर करने के लिए ऐसी स्कीम सहयोग की नीति लेकर आए। ठीक है, दूसरा क्या था, उदार निरंकुशता को लेकर आए, जिसमें बेनिवोलेंट डिस्पोजिशन का इन्होंने काम किया, जैसे कि कई सारे इन लोगों के देशों से अफगानिस्तान में सब में भी क्या हो रहा था, अटैक कर देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और भारतीयों को इसमें सेना के रूप में भेजा जाता था,
तो अब क्या किया गया, साथ में बर्मा के साथ भी वही हुआ था, नेपाल के साथ भी वही हुआ था, यहां पर ब्रिटेन ने उदार निरंकुशता की नीति को अपनाया। थर्ड क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इनटू ब्रिटिश इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो गया, भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ में अब जो इसमें अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो तीन व्यक्ति थे जिनको शामिल किया गया, तो मैं बात बताता हूं और जानते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट, जो गवर्नर जनरल वाइसराय होता था, जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमने कहा था पहले, इसको पावर मिल गई, पावर आ गई, क्या क्या पावर आ गई, कि जो प्रोविंस होता है, प्रोविंस के निर्माण का, कोई नया प्रोविंस अगर इसको बनाने की इच्छा हो जाए तो ये बना सकता था। इसके साथ साथ में क्या हुआ, इनकी नियुक्तियां जो गवर्नर्स की नियुक्ति, भाई जो प्रोविंस बनाया तो गवर्नर ही तो चाहिए, तो इनकी नियुक्ति भी इसी वायसराय के पास में आ गई पावर के रूप में। नेक्स्ट क्या हुआ, जो सेंटर की काउंसिल जो थी केंद्र की काउंसिल, यानी जो मैंने बताया था आपको वायसराय का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पहले काउंसिल हुआ करती थी, उस काउंसिल में सदस्यों की संख्या पहले मैंने क्या बताया था 5 थी, इसको बढ़ा करके क्या किया गया 6 कर दिया गया, और 6 से 12 तक का इनके पास में एक अधिकार प्राप्त हो गया कि सदस्यों को ये चुन सकते हैं, 6 से 12 में सदस्यों को चुन सकते हैं, और जो 5 होगा ये 5वां मेंबर विधि वेत्ता, अगर आपको याद होगा मैंने बात बताई थी विधि वेत्ता कंफर्म होता था इसके अंदर में, है ना, इसकी पोस्ट को फिक्स किया गया था, ठीक है, ठीक। तो यहां पर सेंटर की काउंसिल में इसको 6 से 12 करने का अधिकार भी किसको दे दिया गया, वॉइस राय को, इस अधिकार को दे दिया गया, ठीक। इसमें से जो मेंबर पढ़ाए गए थे उन मेंबर को चुनने का अधिकार गवर्नर जनरल को था, और भी जो चुने गए चुन सकते थे जिनको उठाया गया था, इनको इनकी जो टेन्योर थी 2 साल के लिए, every 2 year, ठीक है, 2 साल के लिए। तो यहां पर जो भारतीय जो मेंबर शामिल किए गए थे कौन थे, राजा ऑफ बनारस के राजा को इसमें शामिल किया गया था, दूसरा कौन था, राजा ऑफ पटियाला, ठीक है, और तीसरा दिनकर राव, सर दिनकर राव, ये ऐसे 3 भारतीय थे जिनको सेंटर की जो काउंसिल बनी थी उसमें शामिल किया गया था। इसीलिए मैंने कहा ना यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो इंडियंस था, इसके रिप्रेजेंटेशन को इन 3 व्यक्तियों को शामिल करके बताया, इसको प्रूफ किया गया था, ठीक। गवर्नर जनरल को यहां पर, जो गवर्नर जनरल वायसराय को वीटो पावर दी गई थी, वीटो पावर इनको ग्रांट की गई थी। इसी काल से पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब मंत्रालय, डिफरेंट मंत्रालय, जो आज की डेट में आप देखते हैं ना बहुत सारे पोर्टफोलियो मंत्रियों को दिए जाते हैं डिफरेंट, वही व्यवस्था 1861 से चालू हुई है, और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब प्रारंभ किया गया था, तो 1861 का काउंसिल एक्ट रहा है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ में एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, जैसे कि आज भी
अगर सपोज कीजिए कोई लोकसभा राज्यसभा जब बैठक नहीं होती है, अध्यावसान होता है उसका, और उस समय नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई अगर बात इशू आ जाए तो वहां पर राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अध्यादेश लाने की पावर होती है। ठीक है, अध्यादेश लाने की पावर होती, वही अध्यादेश लाने की पावर अब वायसराय को दिया गया है। सोचिए यहां से कहां कहां से आज की डेट में जो प्रेजेंट में चल रहा है कहां कहां से इन पॉइंट्स को उठाया गया है। ठीक, और इसके साथ क्या किया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बाद, पहले जो मद्रास और बॉम्बे से, मद्रास और बॉम्बे से को रूल मेकिंग पावर, क्या रूल मेकिंग पावर, पुनः सौंप दिए गए। यानी कि जिस पावर को मद्रास और बॉम्बे से ले लिया गया था उस पावर को पुनः यहां पर दे दिया गया। और एक पॉइंट इसी से क्या सिद्ध होता है विकेंद्रीकरण की नीति, जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, है ना, विकेंद्रीकरण की जो नीति होती है डिसेंट्रलाइजेशन की नीति, इसी 1861 के एक्ट से आती है। ये प्रश्न पूछा गया है, मे भी पूछ सकता है फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में कि व्हेन द डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बीन स्टार्टेड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा 1861 का जो काउंसिल एक्ट आया था उसमें डिसेंट्रलाइजेशन मींस विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1862 में इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, स्थापना ठीक कहां पर की गई, बंगाल में, इसी एक्ट के हिसाब से 1861 के एक्ट के हिसाब से क्या हुआ, जो 1862 में बंगाल में, ठीक है, दूसरा जो काउंसिल की, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी वो हुआ था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, यानी जो पाकिस्तान का आज के डेट में जो पार्ट है वहां पर, और इसके बाद में 1897 में पंजाब, इन तीन जगहों पर। आप सोचिए बात हो रही है 1861 एक्ट की, बट यहां पर तो काउंसिल मेकिंग हुई है 62 में, 86 में, 97 में, इसका मतलब क्या हो गया, इस एक्ट का प्रयोग करते हुए इन तीन जगहों पर क्या हो गया, विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक, तो इस प्रकार से जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया उसकी कुछ चंद बातें यहां पर डिस्कस हमने कर ली। मेरी कोशिश है आपका एक भी प्रश्न छूटने ना पाए अगर किसी एक्ट से संबंधित प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए। इसके बाद में 1873 का एक्ट आया, कौन सा एक्ट आया, 1873 एक्ट, ठीक 1873 में एक्ट आया। अब 1873 के एक्ट में एक्चुअली में क्या हुआ था, केवल एक बात की गई थी, 1 जनवरी 1884 को, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर लेना है,
ठीक, केवल एक बड़ा काम क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को निरस्त यानी कि सस्पेंड या भी खत्म कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। ठीक, याद रखिएगा और यह डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1884। कब ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया गया था? 1 जनवरी 1884 को। किस एक्ट के माध्यम से? 1873 के एक्ट के माध्यम से। एक और एक्ट है 1876 का एक्ट, इसमें क्या हुआ? इस एक्ट को उपाधि एक्ट भी कहते हैं या शाही एक्ट या क्राउन। ठीक है, इस एक्ट में के तहत क्या हो गया, 1876 के एक्ट के अनुसार, 76 के एक्ट के अनुसार कुछ चीजें इसमें जोड़ी गई, जैसे कि एक जो छठा मेंबर होता है, सिक्स मेंबर के रूप में जोड़ा गया। देखिए मैं बताता हूं यहां क्या क्या हुआ इसके अंदर। सिक्स मेंबर इन वॉइस रॉय काउंसिल एज ए PWD मेंबर के रूप में, पांचवा मेंबर आपको याद होगा लॉ मेंबर के रूप में था, और छठा मेंबर क्या हो गया PWD के मेंबर के रूप में। ठीक, 28 अप्रैल 1876 को इसी एक्ट के अनुसार क्या हो गया, जो मोनार्की थी, मोनार्की को भारत की सामग्री या भारत की मोनार्की बनाया गया। ठीक है, विक्टोरिया जो महारानी विक्टोरिया थी वो मोनार्की बन गई, मोनार्की ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत की सामग्री कहते हैं इसको साम्राज्ञी, भारत की साम्राज्ञी, इसी 28 अप्रैल 1876 को बनाया गया, इसीलिए इसे उपाधि एक्ट या शाही एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते। ठीक है, अब इसके बाद और भी चीजें कुछ इसमें हुई हैं, जैसे कि हम बात करते हैं तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने इंडियन काउंसिल एक्ट को, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को। ठीक है, लास्ट हमने जो एक्ट देखा है 1876 का भी देखा है, उसके बाद 1892 का एक्ट आता है। इस एक्ट में क्या कहा गया था, इसे कहते हैं 1861 के बाद एक प्रोग्रेसिव एक्ट जो आया था वो यही था। आफ्टर 1861 एक्ट जो प्रोग्रेसिव एक्ट के रूप में माना जाता है वो है 1892 का एक्ट। ये मेंस में इस तरीके की चीजें आती हैं समझ में लिखने को, कि अगर एक्ट से संबंधित पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि भाई 1861 के बाद 1892 में जो एक्ट आया था वो उसका प्रोग्रेशन था एक तरीके से, है ना। जो बातें 1861 में हुई थी उसी का जो फ्यूचरिस्टिक और चीज जो बदलाव के रूप में आई गई वो 1892 के एक्ट में उसको देखा गया है। इसके साथ इसमें हुआ क्या, कैसे इसको प्रोग्रेसिव एक्ट कहा गया, इसमें हुआ क्या, पहली चीज जो क्या हुई इसके अंदर, इसमें इंडियन इलेक्शन ऑफ इंडियन मेंबर्स प्रारंभ होता है। ठीक, भारतीयों का
अब सीधे तौर पर डायरेक्ट तरीके से इलेक्शन के माध्यम से ये लोग अब इसमें आते हैं। ये जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्ट था, है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से। याद रखिएगा, पहली बार भारतीयों को इनडायरेक्ट रूप से ही सही क्यों ना हो, लेकिन जो इलेक्शन हुआ था इनडायरेक्ट रूप से उस भारतीयों को शामिल किया गया, है ना, शामिल किया गया। अब जब ये शामिल किया गया था, कहां से शामिल किया गया था, प्रोविंस से, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस से, जो प्रांत होते थे उनमें, उन प्रांतों से जो इंडियंस थे उनको इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था। जैसे कि कहां कहां से, जो हमारे छोटे छोटे जो जैसे नगर पालिका हो गया, ठीक है, नगर पालिका, ठीक, म्यूनिसिपैलिटी, इसके साथ साथ जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला बोर्ड इसको कहते हैं, जिला बोर्ड, ठीक, इसके साथ साथ में जो यूनिवर्सिटीज होती थी, विश्वविद्यालय होते थे वहां से, ठीक है, यूनिवर्सिटीज, और क्या हो गया, जो आपके कमर्शियल यानी कि जो वाणिज्यिक क्षेत्र होते थे वहां से भी, वाणिज्य, वाणिज्य बोर्ड या मंडल से, है ना, इन सब बोर्डों से, यूनिवर्सिटीज से क्या होता था, यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट। इलेक्शन इनका होगा। इसके साथ साथ में क्या हो गया, बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार, ठीक है, यानी आप इमेजिन कीजिए प्रायर क्रेडिट बजट पर बहस नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ में क्या हो गया, प्रश्न पूछने का अधिकार, क्वेश्चंस भी इसमें पूछ सकते थे, हाँ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था इसमें, केवल प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, ठीक है। इसके साथ साथ में वोटिंग राइट भी नहीं थे, वोटिंग ठीक है, दोनों अधिकार, सप्लीमेंट्री पूरा जो प्रश्न होते हैं उसको पूछने का अधिकार, और वोटिंग राइट दोनों इनको नहीं दिया गया था, ये बात मिलते हैं, ठीक है। जो सदस्य होते थे, मेंबर होते थे, उनकी संख्या, सदस्यों की संख्या अब 10 से 16 तक बढ़ा दी गई, 10 से 16 तक इसको इंक्रीज कर दिया गया, और जो इंक्रीज हुई थी उस संख्या में से जो लोग होते थे 10 सदस्यों का, यानी कि केंद्रीय व्यवस्था में 10 सदस्य होते थे, 10 मेंबर गैर सरकारी, ठीक है, 10 मेंबर्स आउट ऑफ दिस मेंबर्स मस्ट बी नॉन गवर्नमेंटल। तो इस प्रकार से 1892 का एक्ट जो है यहां पर संपन्न होता है, ठीक।